तो आपको जीएसटीआर 9 सी फाइल करने की जरूरत नहीं होगी फ्रेंड्स यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यह अमेंडमेंट 1 अगस्त 2021 से इफेक्टिव हुआ है तो 1 अगस्त 2021 से यदि आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 9 सी फाइल करना है तो एटीओ का यह लिमिट उस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी एप्लीकेबल होगा तो भाई साहब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9 सी के एटीओ का एग्जम्पशन का लिमिट क्या होगा तो फ्रेंड्स यदि आपका एग्रीगेट टर्न ओवर फाइनेंशियल ईयर दो हजार के दौरान 5 करोड़ रुपए के लिमिट को क्रॉस नहीं किया था तो आपको जीएसटीआर नाइन सी फाइल नहीं करना होगा फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के एनुअल रिटर्न के साथ जीएसटीआर नाइन सी के फाइलिंग का ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 है तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं यह वीडियो क्लोज कर रहा हूँ यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक like और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग